क्यू पी क्यू ओ पी क्यू लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी हैविंग इट्स कॉरपोरेट ऑफिस एट नागपुर. द कंपनी हैज़ अ ब्रांच ऑफिस एट चेन्नई. द कंपनी हैज़ बिन ऑपरेटिंग इन इंडियन मार्केट फॉर द लास्ट 10 ईयर्स. तो ओ पी क्यू कंपनी है, यह 10 साल से इंडिया में ऑपरेट कर रही है. द कंपनी ऑपरेट्स एट अ पेंशन प्लान डेट प्रोवाइड्स अ पेंशन ऑफ 2.5% ऑफ द फाइनल सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस. द बेनिफिट्स बिकम वेस्टेड आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ सर्विस. तो इस ये पेंशन प्लान है, ये ऑपरेट कर रही है और इसमें जो बेनिफिट मिलता है वो हर साल कितना मिलेगा, जो भी फाइनल सैलरी होगी ना उसका हर साल 2.5% आपको बेनिफिट मिलेगा. और ये बेनिफिट कब, और ये बेनिफिट है ना 7 साल के बाद वेस्ट होगा. कब वेस्ट होगा? 7 साल के बाद वेस्ट होगा. 7 साल की सर्विस आपको देनी पड़ेगी. 1 अप्रैल 2008 को द कंपनी इंक्रीज द पेंशन टू 3% ऑफ द फाइनल सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2001. तो अभी तक कंपनी का ये था कि जो फाइनल सैलरी है ना उसका 2.5% मिलेगा, लेकिन 1 अप्रैल 2008 को कंपनी ने बोला कि 1 अप्रैल 2001 से जो भी बंदा सर्विस दे रहा है उसको हम अब 3% का देंगे, यानी आधा परसेंट और इंक्रीज कर दिया. 2.5% से अब बोलते 3% का देंगे. तो देखो यहाँ से यहाँ तक 7 साल भी दिया. 7 साल कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2008 को 7 साल खत्म हो गया. और 7 साल खत्म होने के बाद इसने बोल दिया कि हम जो है आपका हमने बढ़ा दिया, 2.5% या आपको 3% देंगे. तो जो इसने एडिशनली बढ़ाया, जब इसने 2.5% से 3% कर दिया, जब इसने 2.5% से 3% कर दिया, तो उन सभी जो एडिशनली बेनिफिट्स थे उनकी पीवी दर बता रखी है कि जितने भी एडिशनल बेनिफिट जो अब ये 0.5% वाले इनकर हो रहे हैं उनकी पीवी बता रखा है दो कैटेगरी में. एक तो वो एम्प्लॉयज़ हैं जिनका 7 साल बीत गया, 7 साल बीत गया तो उनका 2,75,000 हो गया, यानी ये वेस्टेड वाले बेनिफिट्स हैं. और ये बेनिफिट्स वो हैं जो अभी तक वेस्ट नहीं हुए हैं, मतलब कि अभी इन एम्प्लॉयज़ को 4 साल और पूरे करने पड़ेंगे तब इनका जो बेनिफिट है वो वेस्ट होगा. बट ऑब्लिगेशन तो हमारी अभी से क्रिएट होगी नहीं, हो गई कि नहीं हो गई, प्रोविजन तो अभी से बनाना पड़ेगा ना. तो जो वेस्टेड बेनिफिट्स है वो 2,75,000 हैं, जो अनवेस्टेड वाले हैं वो अभी 2,21,000 वाले हैं. तो हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करनी पड़ेगी? देखो, चाहे बेनिफिट वेस्ट हुआ हो चाहे बेनिफिट वेस्ट नहीं हुआ हो, ये एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन आ गई कि नहीं आ गई हमारे ऊपर? टोटल 4,96,000 की एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन आ गई. तो एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन आ गई तो हम सिंपल से क्या करते हैं, पास्ट सर्विस कॉस्ट के केस में हम सीधा P&L पे जा करके बुक कर देते हैं. देखो अभी तक 3% के हिसाब से हमें कुछ करनी चाहिए थी, ठीक है, और लेकिन 2.5% के हिसाब से अभी तक हम ये कर रहे थे, यानी इतनी हमें एक्स्ट्रा करनी है, यानी पिछले साल इतने साल की एक्स्ट्रा हमें करनी थी लेकिन हमने अभी तक करी नहीं 3% के हिसाब से. तो आज कर दो. तो आज हमने पिंडल में सारे के सारे 4,96,000 जो है पास सर्विस कॉस्ट का जो एक्सपेंस है वो बुक कर दिया, और इतने ही अमाउंट से हमने क्या कर दिया, अपनी ऑब्लिगेशन बढ़ा दी लायबिलिटी साइड में.